हेलो दोस्तों, नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका दोस्त नितिन आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी फोटो की एक खूबसूरत सी परछाई बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो आइए देखते हैं कि फोटोशॉप में परछाई शेडो कैसे बनाई जाती है। मैंने यहाँ फोटोशॉप में पहले से ही एक इमेज ओपन कर रखी है। अब मैं मैजिक टूल सेलेक्ट करता हूँ और हमें सफ़ेद कलर पे क्लिक करना होगा मैजिक टूल से, और जो जगह हमारी सिलेक्ट नहीं हुई है उसे हमें मैजिक टूल से ही करना होगा, लेकिन शिफ्ट बटन दबाना होगा अपने कीबोर्ड से। जब आप शिफ्ट बटन दबाओगे तो आपको ये प्लस का साइन दिखेगा। ओके, शिफ्ट बटन दबा के मैंने ये जहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ था उसे भी सिलेक्ट कर लिया है अभी, और अभी रिफाइन एज पे क्लिक करता हूँ जिससे बालों को थोड़ा सा अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ से मैचिंग एंड्स पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और बालों के ऊपर थोड़ा सा ब्रश को घुमा देता हूँ। ओके, अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और हम एक डुप्लीकेट लेयर बना सॉरी सिलेक्ट पे जाना होगा हमें, और यहाँ से इनवर्स पे। अब जो है हमारा सिर्फ ये फोटो ही सिलेक्ट हुई है, सफ़ेद एरिया नहीं हुआ है। अभी हमें जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना होगा जिससे कि दूसरी डुप्लीकेट लेयर तैयार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी लेयर तैयार हो गई है हमारी, ये इस तरीके से दिखेगी। यहाँ से मैं अभी लेयर वन को हाइड कर देता हूँ, इनविजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ इसकी, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और लेयर टू पे क्लिक करता हूँ तो इमेज जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हम जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि हमारी एक शैडो तैयार हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो पे क्लिक करना होगा और इससे हम इसकी जो है कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैपेसिटी ओपेसिटी इसे हम 100 ही रखते हैं। डिस्टेंस आपको अपने जो है शैडो कितने दूर रखना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ 39 पे रख लेते हैं। स्पीड, इसको 0 ही रखते हैं हम, और साइज ज़्यादा ब्लर नहीं करना है मुझे, शार्प ही रखना है, एकदम शार्प भी नहीं। इसको हम 4 पे रख लेते हैं, अब ठीक रहेगी। और ओके, अब मैं जो सिलेक्शन एरिया है उसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ। डीसेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+D। Ctrl+D से जो है सिलेक्शन एरिया हट जाता है। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर आपको और क्रिएट लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर पॉपअप बॉक्स आएगा जिसको ओके करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक नया जो है शेडो वाली लेयर तैयार हो गई है। ये शेडो हमारी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। हम इसको रिनेम कर सकते हैं और ड्रॉप शेडो नाम दे देते हैं इसको। ओके,
अब इस शेडो को मैं थोड़ा सा पीछे झुका देता हूँ। इसके लिए हमें एडिट पे जाना होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जाके मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ तो इसे जिस तरह चाहे उस तरफ मैं घुमा सकता हूँ। जितनी लंबी करना है, छोटी करना है, उसके अनुसार मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं और इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं। भी कुछ ठीक लग रही है मुझे। अब ठीक है, ओके। हम शेडो की जो है ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको जितनी चाहिए उतनी रख सकते हैं। चलिए ठीक है, 99। आगे देखेंगे हम एडजस्टमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। अब मैं यहाँ एक न्यू लेयर लेता हूँ जो कि हमारा बैकग्राउंड बनाने के लिए रहेगी। इसको नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करता हूँ। ग्रेडियंट टूल पे यहाँ ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरफ ब्लैक कलर है, इस तरफ वाइट कलर है मेरे पास में, ओके। मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचता हूँ तो जो है ब्लैक वाला ऊपर आ जाता है। मैं इस बैकग्राउंड को नीचे लेके आ जाता हूँ, लेकिन मुझे ये ब्लैक नीचे होना और वाइट ऊपर होना, तो मैं नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींचता हूँ इस तरीके से। अब ठीक है, हम ये एक एक लेयर टू का और एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं कंट्रोल जे से, या फिर आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके। अब मैं यहाँ मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली एक यहाँ पर मूव कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पहले ऐसी थी, अभी ऐसी शैडो तैयार हो चुकी है। अब आप चाहे तो शैडो को की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। या पूरी डार्क रखना है तो डार्क रख सकते हैं, लेकिन डार्क तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं थोड़ी कम ही कर देता हूँ उसको। अभी ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी इमेज जो है अभी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।